बाय मीनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आलू की कचौड़ी बनाने वाले हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने मैदा लिया हुआ है, इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी और काफी अच्छा बनता है, इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए। ये हमने 2 बड़े चम्मच सूजी लिया है, रवा इतना बारीक वाला रवा लिया है जो कि हमारे कचौड़ी को अच्छा सा क्रिस्पी बनाएगा। ये अजवाइन, अजवाइन को इस तरह से हाथ में लेके हल्का सा हमें क्रश कर लेना है, इस तरह से डाल देना है। नमक लेंगे, टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा हम मैदे में नमक ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा कुकिंग ऑयल 1 बड़े चम्मच और इन सबको मिला करके हमें एक अच्छा सा थोड़ा हार्ड डो तैयार करना है। ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है हमें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सा डो रेडी कर लेते हैं। ये आटा देखिए इस तरह से हमने रेडी कर लिया है और इसे ढक करके रेस्ट पे छोड़ देंगे 10 मिनट्स के लिए। तब तक इधर हमने कढ़ाई गर्म होने रखा है, ऑयल गर्म हो गया है। हमने यहाँ पे जीरा लिया है 1/2 छोटी चम्मच, इसे क्रैकल करने देते हैं। उसके बाद हमने ये प्याज लिया है, प्याज को डाल देंगे और इसे हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है प्याज को। और इसी तरह हमने ये जो हरी मिर्च लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह से कट करके लेंगे। साथ में इसे भी भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को। प्याज अच्छा सा भून गया है, इसे थोड़ा साइड करते हैं। और इसमें ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे भी हमें भून लेना है साथ में। और इधर हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, एक काली मिर्च, हमने इसे 8-10 काली मिर्च को बारीक कूट करके लिया है। ये धनिया पाउडर है, अभी 1 चम्मच धनिया पाउडर हमने लिया है। ये लाल मिर्च पाउडर है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं। भुना हुआ जीरा पाउडर है, हल्दी और ये गरम मसाला, इन सबको डाल करके मसालों को हमें अच्छा सा भून कर लेना है। ज्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा चला लेना है जिससे कि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। इस तरह से भून कर ये मसाले अच्छा सा भून गए हैं। इस समय हम ये कसूरी मेथी ली हूँ, इसे हम डाल देते हैं। साथ में नमक भी डाल देंगे, जितना हमने आलू को बॉईल करके मैश करके ली हूँ यहाँ पे उतना हम नमक डाल देते हैं। और इसे मिक्स कर लेना है हमें। ये सारा प्रोसेसिंग लो टू मीडियम फ्लेम में ही कीजिए, हाई फ्लेम में जल जाएगा और टेस्ट भी खराब हो जाएगा। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत बहुत अच्छा लगता है, इसमें हम आलू को इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले को। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना। ये आलू अच्छा सा देख सकते हैं भून गया, काफी टेस्टी है आलू। अभी हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे थोड़ा और इसे मिक्स कर लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। इसे नीचे उतार लेते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर हम इसकी कचौड़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छा सा कचौड़ी बनने वाला है। तो इस तरह से फैला करके इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। ये आलू अच्छा सा ठंडा हो गया है, इसे साइड करते हैं और ये जो आटा हमने रेस्ट पे रखा था उसे निकालेंगे। थोड़ा सा इस पे ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं, 2-4 ड्रॉप्स डालने के बाद इसे अच्छा सा मसल लेंगे ताकि जो आटा हमने रेस्ट पे रखा था वो अच्छा हो जाए। मसलने के बाद इसके हम इतने बड़े बड़े 1 बड़े नींबू के साइज का लोई पेड़े बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद ये बहुत ही आराम से बनाना पड़ेगा इस तरह से। और एक सूखा आटा हमने लिया है थोड़ा,
इसमें डिप करेंगे इस तरह से। आप इसे दो तरह से भर सकते हैं, आप चाहे तो इसे पूरी के तरह बेल के फिर आप स्टफिंग तैयार कीजिए, नहीं तो आप इस तरह से बना लीजिए, देखिए कटोरी के टाइप में। और इसमें आलू को स्टफ करेंगे इस तरह, ये बहुत अच्छा बनने वाला है, आप इस तरह से बनाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जो लोग मेरे चैनल पे आए फ्रेंड्स, वो लोग जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से देख सकते हैं मैंने इसके पूरे मुंह को बंद कर दिया है और एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे और इस तरह से फील करने के बाद हल्का सा हाथ से पुश करना है। उसके बाद इसमें सूखा आटा थोड़ा थोड़ा लगा के, हमें ज्यादा नहीं बेलना है, बस एक दो बार ही इसे हम बेलेंगे हल्के हाथों से, ज्यादा टाइट नहीं करना है हमें। देख सकते हैं इस तरह से हमने बेल लिया है, इतना मोटा मोटा। इस तरह से सारे को बना करके हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हमने सारे कचौड़ियों को बना करके रेडी कर लिया है, देखिए कितना अच्छा सा बन करके रेडी हुआ है। और इधर हमने ऑयल गरम होने रखा है, एक एक कचौड़ी को डालेंगे और हाई फ्लेम में नहीं करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम में इसे हमें फ्राई करना है, एकदम ही आराम से, पूरा टर्न नहीं करेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्लोट करने लगे फिर हम इसे टर्न करेंगे। इसके ऊपर इस तरह से ऑयल को हल्का हल्का डालते रहिए, देखिए ये फ्लोट करने लगा। अब इसे हम टर्न कर लेते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्प होने तक इसे हम फ्राई कर लेते हैं इसी तरह से। देखिए ये अच्छा सा कलर भी आ गया है और सारे कचौड़ी देखिए अच्छे से फूल भी गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, इस तरह से कढ़ाई में थोड़ी देर रोकेंगे और निकाल लेंगे, तब तक इसे दूसरे को भी साइड में डाल देना है। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छा सा कचौड़ी बनकर के रेडी हो गया है, देख सकते हैं एकदम फूल गया है और काफी टेस्टी भी बना है। बाकी की कचौड़ी को हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए सारे कचौड़ियों को बनाकर हमने रेडी कर लिया, कितना अच्छा फूला फूला एकदम ही कचौड़ी बनकर के रेडी हुआ है, बहुत ही टेस्टी। इसे आप इस तरह से ग्रीन चटनी और सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप कचौड़ियों को सर्व कीजिए। आपको एक कचौड़ी मैं कट करके दिखाऊंगी, ये बहुत ही अच्छा और काफी टेस्टी बनकर के रेडी हुआ है फ्रेंड। इस तरह से बहुत ही गर्म है अभी ये, देखिए कितना अच्छा सा कचौड़ी बनकर रेडी हुआ है ना, एकदम ही फूली हुई कचौड़ी अच्छी सी। इस तरह से बनाइए और अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।